RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें। कि हम लोग एक इन्फेक्शन डिजीज से डील कर रहे हैं, डे टू डे की लड़ाई है। इसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही ना हो, हर आदमी हमें अपना रिक्वायर्ड सपोर्ट देता रहे और हम मिलकर इस लड़ाई से जीत सकें, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूंगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, एप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज्यादा समस्याओं का निदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। ICMR की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, कल तक के 130,000 पेशेंट के सैंपल टेस्ट किए गए, इसमें से 5,734 पॉजिटिव थे। अब तक के पॉजिटिविटी रेट अगर देखेंगे तो इट रेंजेस बिटवीन 3-5% इन द लास्ट 1-1.5 मंथ्स। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। कल वी हैव टेस्टेड 13,143 सैंपल्स। दिस आर द अपडेट्स फ्रॉम ICMR। थैंक यू। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन है, नाउ दैट इंडिया हैज सपोर्टेड द USA विद XCQ, कैन इट बी प्रज्यूम्ड दैट द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया will change now? Do we have adequate supplies of HCQ in the country for our own needs? It can not only be presumed, it can taken with 100% surety कि country के जितने requirement HCQ की है वो देश में available है। Future requirement की projection को analyze करते हुए भी उसको ensure किया जा चुका है। Follow me, India Today. One question to ICMR and then to Mr. Agarwal. My question is about you giving permission for research protocol as far as clinical trials are concerned vis-a-vis the convalescent plasma therapy to Kerala. Can you tell us a little bit more about that? And Mr. Agarwal, you said about the GOM, which discussed about the sufficiency of PPE kits, N95 masks and ventilators as well as far as state needs are concerned. How are you meeting that? What sort of came up? Could you elaborate on that? कन्वलेसेंट प्लाज्मा का प्रोटोकॉल अभी ICMR फाइनल स्टेज में है, वो वी विल बी फाइनलाइजिंग दैट प्रोटोकॉल और उसके बाद वी विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ DCGI बिफोर कंडक्टिंग एनी क्लिनिकल ट्रायल। इट इज़ नॉट करेंटली यूज आर करेंटली प्रिस्क्राइब टू गिव ऑल पेशेंट्स। इट विल बी यूज ओनली इन क्लिनिकल ट्रायल मोड बिफोर इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल अदर पेशेंट्स। इन अदर कंट्रीज दे हैव फाउंड इट इज सक्सेसफुल, यस, इन लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल। Yes, and this is only for very severe patients who are on ventilators, not milder cases. Yes, of course, but one has to get approval from the DCGI before it is the trial is done in other places. Yes, ma'am, as I had mentioned earlier, the whole effort is being driven by public health experts, supported by committee of secretaries chaired by cabinet secretary, and then after that group of ministers which provides us policy directions, and the whole effort primarily is monitored at the highest level in the country. Group of ministers जो आज मिले थे उन्होंने पूरी सिचुएशन की समीक्षा की, उन्होंने ये देखा कि आज हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे क्या चैलेंजेस फ्यूचर के हैं और उन फ्यूचर चैलेंजेस के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन देश में ज़रूरत है। जैसे कि मैं आप लोगों की दृष्टि में पहले भी ला चुका हूँ, उसके तहत ही उन्होंने डिस्कशन किया कि आज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारा एक मेजर फोकस एरिया होना चाहिए, कैसे हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। हॉस्पिटल्स का जो हमने कैटेगराइजेशन किया था केयर सेंटर्स के रूप में, ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड और क्रिटिकल बेड के रूप में, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हम स्टेट्स को फर्दर सपोर्ट करें कि यह कार्य और त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके।
इसके साथ ही टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हमें रिवाइज करना है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके आदेश दिए गए। साथ ही हमारा मेजर फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स क्यों कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर भी उन्होंने हमें डिटेल डायरेक्शन दी है। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है ICMR के लिए, हैव द 2.5 लाख टेस्टिंग किट्स अराइव्ड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू बी डिलीवर्ड बाय 8th और 9th ऑफ अप्रैल। वेल दिस किट्स हैव नॉट अराइव्ड येट बट वी दे आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम। नीलू एंजन प्लीज यूज माइक। नीलू सर, कल से देख रहे हैं कि कई राज्यों में कंटेनमेंट प्लान जो है बहुत कड़ाई से लागू किया जा रहा है, एरिया को सील किया जा रहा है और लॉकडाउन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 17 दिनों में ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं लगता कि राज्यों की जो लापरवाही रही उसी कारण आपके केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं? सर, वी विल एंड अप डीमोटिवेटिंग द सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एट फील्ड। आई थिंक वी शुड प्रोजेक्ट द क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंटली। हो ये रहा है कि फील्ड में शुरू से ही काम हो रहा है। आज भी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से जब से कि पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ था उसके बाद से ही जिले के लोग, स्टेट के लोग इसमें लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और आप ये समझिए कि हम कोई भी एक्शन अगर स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ले रहे हैं तो वो हमारा एक्शन होता है इनकमेंसरेट विद द टाइप ऑफ चैलेंज वी आर फीलिंग। तो आई वुड से कि वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द हार्ड वर्क दे आर डूइंग एंड वी हैव टू कीप ऑन टेकिंग देयर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग दैट वी एक्चुअली एंड अप ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। साहिल फ्रॉम ANI। Good afternoon, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. My question is related to recent death of a doctor in Indore who contracted COVID. So how could doctor contract COVID disease? He is a frontline worker. Was there enough PPE available over there in the hospital? Because it becomes very difficult. And you mentioned that PPE is not absolutely necessary or it's not required all the time. Sir, one more thing is that many doctors are getting assaulted as well. What do you have to say on that? Thank you. Sir, मैंने दोनों विषय में एक्चुअली मैं काफ़ी डिटेल में आज बताया था, बट सिंस यू आस्क्ड तो मैं फिर दोबारा से आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर ट्रेनिंग में एक फोकस करते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की रिक्वायर्ड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेशेंट का ट्रायजिंग करें, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसी आती है कि हमारा कोई मेडिकल स्टाफ किसी भी कारणवश अगर वो इन्फेक्ट होता है तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस एंड वी वुड रियली अर्ज कि जो गाइडलाइंस हैं फील्ड लेवल पर वो फॉलो की जाएँ। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था प्रोटेक्शन, तो इसका ही दूसरा आस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, अब आप ये समझिए कोई भी जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की भी बात करते हैं तो हर तरह का रिस्क लेके आज जो हमारा फील्ड का हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जब वे इस तरह के खतरे को खेल होते हुए भी हर तरह से सपोर्ट करें तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके लिए खड़े और उनका सपोर्ट लें? तीसरा, आपने PPE के लिए कहा, मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जहाँ पर PPE की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। PPE के बारे में देश में शुरू में समस्या थी, जब कोई चीज़ देश में इम्पोर्टेड होती है और जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद देश में पिछले 2 महीने के एफर्ट्स के बाद हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैं आपसे जो विषय आज आपके द्वारा हाईलाइट करना चाहता हूँ वह यह है कि PPE के बारे में भी जिसे कहते हैं अफवाह या डर की ज़रूरत नहीं है। हमारी गाइडलाइंस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली PPE शुड बी मेड अवेलेबल बट उनका रैशनल यूज़ हो, जहाँ जिस लेवल की ज़रूरत हो उसको उस लेवल पे यूज़ किया जाए। अब मान लीजिए लिमिटेड सप्लाई की कोई चीज़ है, अगर मुझे उसको, मैंने जैसे आपको N95 मास्क के बारे में बताया कि मैं एक दिन में 4 N95 मास्क भी यूज़ कर सकता हूँ, 4 बार अलग अलग मास्क यूज़ करते हुए एक दिन में मैं एक भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई को ऑगमेंट कर रही है स्टेट्स के साथ मिलकर, साथ ही हम सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका रैशनल यूज़ भी हो। फ्रेंड्स, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। इंडियन रेलवेज हैज सो फार प्रोड्यूस्ड अबाउट 6 लाख रीयूजेबल फेस मास्क एंड मोर देन 40,000 लीटर्स हैंड सैनिटाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिगार्डिंग द ट्रेनिंग कंपोनेंट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19, इंटेग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्वच्छ
app has now been modified and strengthened further in order to enable the citizens to get their COVID-related complaints also addressed through the urban local bodies. Now the last question, number 14. Sir, please let him ask the question. सेंटर ने स्टेट के लिए पैकेज अनाउंस किया है, वो कितना बड़ा पैकेज है, इसके क्या मायने? सर, सेंटर ने स्टेट के लिए किस, आप किस पैकेज की बात करें? बिकॉज मल्टीपल पैकेजेस हम अनाउंस करते हैं. ओके. सो बेसिकली ये कोविड इमरजेंसी पैकेज जो हमने लिखा है स्टेट्स को, इस पैकेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्पेसिफिक पैकेज है, कोविड 19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज. ये अप्रूवल हो चुका है, इसके लिए हमने आज ही स्टेट्स को लिखा है. मैं एक्चुअली मैं इसकी और डिटेल्स के साथ कल आपके पास आना चाहता था, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस पैकेज के द्वारा 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स, सपोर्टिंग देयर प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स और ड्रग्स, और साथ ही सर्वेलेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज. और इसके तहत स्टेट्स पीपीज एंड 95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी. साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. यह अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वी हैव रिटर्न टू स्टेट्स, और इसकी डिटेल और सारी डिटेल हम स्टेट को जल्दी ही कम्युनिकेट भी करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई विल कम बैक टू